हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और इस बार मैं बनाने जा रही हूँ टी कप्स। सो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कॉफ़ी मग्स पे डिज़ाइन करना सिखाया था। सो इस बार हम लोग ले रहे हैं टी कप्स, ठीक है। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो, लेट्स गो। सो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टी कप्स और इसी को मैं आज अल्कोहल इंक से करने जा रही हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया ना सेम वैसे। तो मैंने अभी लिया है आपको अल्कोहल इंक, और इससे पहले मैंने जो आपको बताया वो अल्कोहल ब्लेंडिंग सॉल्यूशन था। इस मग के लिए मैंने पर्टिकुलरली ग्रे कलर को सिलेक्ट किया है, तो बस मैं अब ग्रे कलर लूँगी, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हमको पुट करना है, इसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने पिछली वीडियो में फॉलो करा था वो आपको इसमें भी करना है। मैंने थोड़ा सा इंक डाला है, इसके बाद उसको ब्लो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। अगर आपको लग रहा है कि इंक अच्छे से फ्लो नहीं हो रही है, सो यू कैन ऐड अल्कोहल आइसोप्रोपाइल इनटू इट, और वी कैन से अल्कोहल ब्लेंडिंग सॉल्यूशन। यस, सो आप इसको ब्लो करते जाना है आपको स्ट्रॉ की हेल्प से, जैसे मैं आपको कर रही हूँ ना वीडियो में। शायद हो सकता है थोड़ा ब्लर भी हो गया हो, बट इसी तरह से आपको स्ट्रॉ से ब्लो करना है उसको, तो एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन आ जाएगी आपके मग पे, ठीक है, सॉरी कप्स पे। ये मैंने सेरेमिक कप ही लिया है ये भी, और वो जो मैंने कॉफ़ी मग लिया था वो भी सेरेमिक का था, बट वो बोन फ्री था, और वो मैं 200 या 120 के आसपास का कुछ खरीद के लाई थी। ये वाले कप मैं 25 रुपीज़ का परचेस करके लाई थी, तो आप लोग को ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं पे भी, आसपास शॉप्स पे, आपके लोकल्स में जाना, या आपको वहाँ पे नहीं मिले तो आप लोग कोई से मार्ट में जा सकते हो, जैसे डी मार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग सॉल्यूशन ऐड करती जा रही हूँ, इंक ऐड करती जा रही हूँ, और सेम वही प्रोसीजर फॉलो करती जा रही हूँ। इंक पुट किया, अल्कोहल आइसोप्रोपाइल किया, फिर इसको ब्लो कर दी बस। ये तो इसका आपको ऑटोमेटिक टेक्सचर्स बनते जाएंगे। हाँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉ से हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही अच्छी डालने वाली हूँ। अभी तक हम लोग ने जैसे अल्कोहल इंक में कप्स और मग बनाए हैं, तो अब मैं नेक्स्ट आपको अल्कोहल इंक में क्लॉक बनाना सिखाऊँगी, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अल्कोहल इंक के ऊपर और वीडियोस डालूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सेम बस आपको ये प्रोसीजर फॉलो करते जाना है, मैं बार 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 सेम प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेक श्योर यू वेयर ग्लव्स, ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी छोटे बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, वो अगर ये चीज़ करते हैं, ट्यूटोरियल फॉलोअप करते हैं, तो प्लीज़ किसी की गाइडेंस में करना, आपके पेरेंट्स के या आपके गार्जियन के। आपको अकेले से ट्राई नहीं करना है, बिकॉज अल्कोहल इंक्स आर हार्मफुल फॉर किड्स, ओके। सो यू डोंट हैव टू स्वालो इट, स्वालो मतलब आपको उसको माउथ में नहीं डालना है, या फिंगर में भी आपको उसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इट्स टॉक्सिक फॉर यू एंड योर हेल्थ। सो आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो आप लोग प्रिकॉशंस लेके करिएगा, आप पूरी सेफ्टी से करिएगा, और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, अगर आपके बच्चे ट्राई करते हैं तो आप उनको थोड़ा सा सेफ्टी से करने का ज़रूर बोले, ठीक है, या आपकी गाइडेंस के अंदर ही उनसे ये वर्क करवाए। वैसे ये ट्यूटोरियल इतनी इजी है कि कोई भी बना सकता है, इवन ले मैन कैन मेक दीज कप्स, ओके। सो आपके पास घर में बहुत सारे कप्स भी रहते होंगे, जैसे पिंक कलर का हो गया तो आप कॉन्ट्रास्ट में कलर्स ले सकते हैं, जैसे पिंक के साथ आपने ब्लू ले लिया, पिंक के साथ आपने पर्पल ले लिया, ठीक है, इस तरह से आप और कलर्स ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट मग लिया है, तो वाइट के ऊपर
एक्चुअली सारे कलर अच्छे लगते हैं, ब्लैक मत लेना, ब्लैक को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि ब्लैक के ऊपर इतने अच्छे से जो इफेक्ट वाइट के ऊपर दिखता है ना वो इतना प्रॉपर नहीं आ पाता है। सो मैं जब भी कुछ मग और ये कुछ बनाती हूँ सबकी सरफेस वाइट लेती हूँ। उसका रीज़न यही है कि वाइट पर अगर मैं कुछ बनाती हूँ ना तो वो पॉप आउट होके आता है, मतलब उठ के दिखता है। ठीक है, तो आप लोग भी वाइट पर ट्राई करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और एक और चीज़, अगर आपको कोई से भी मेरे ट्यूटोरियल्स में कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट डाल सकते हैं कि यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे डाउट है। सो मैं वैसे सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं कभी भी किसी का भी कमेंट इग्नोर नहीं करती। सो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में कर दूँगी। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैंने वो अपने यूट्यूब के अबाउट में दे रखा है। और आप मुझे फेसबुक पे भी क्राफ्ट माइंड स्केची हैंड्स के पेज पे जाके मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सेकंड कप लिया है। सेकंड कप मैंने आपको जैसे बताया था ना कि मैंने 2 कप्स परचेस किए, तो फर्स्ट पे मैंने ग्रे कलर किया है, सेकंड पे मैं कर रही हूँ येलो ऑरेंज एंड ब्राउन। ठीक है, तो मैंने इसमें सोचा कि मैं 3 कलर्स को ट्राई करती हूँ। जैसे अभी तक मैंने पर्पल कलर को करा था और ग्रे कलर से करा था, तो इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ 2-3 कलर का बहुत प्यारा सा बनाऊँ। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है येलो कलर, ऑरेंज भी मैं यूज़ करूँगी और ब्राउन भी मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, सो अभी वैसे मैं ब्रश से कर रही हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रॉ भी लूँगी क्योंकि मेरे को ब्रश का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना अच्छा मुझे स्ट्रॉ का मिलता है। क्योंकि ये होता क्या है दूंगी, हम जब ब्रश से करते हैं ना तो इवन चीज़ें आती हैं, मतलब इवन लाइंस आएंगी, इवन टेक्स्चर्स आएंगे, बट मुझे एल्कोहल इंक में इवन टेक्स्चर्स बिल्कुल नहीं पसंद है, इवन डिज़ाइंस नहीं पसंद है। मैं अगर एल्कोहल इंक में वर्क करना पसंद करती हूँ तो मुझे अनइवन डिज़ाइंस पसंद है, अनइवन टेक्स्चर्स पसंद है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरेंज कलर, सेम उसको भी मैं ब्लेंड करूँगी। आप चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो, या तो फिर आप उसके लिए एल्कोहल आइसोप्रोफाइल या ब्लेंडिंग सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आप ब्रश को यूज़ कर रहे हो इसके साथ तो मेक श्योर कि आपके हैंड मतलब आपका ब्रश जो है उसको आप क्लीन करो उसी टाइम। अगर आप नहीं क्लीन करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद आपका ब्रश बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करना है अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो। और मटेरियल से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज अगर आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका मटेरियल आपको सभी आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग। इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे नारायण्स है, बियॉन्ड इंक्स है, दित्या इंक्स है, और भी 2-3 और है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बताऊंगी अगर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद लिया ब्राउन कलर, और उसके साथ भी मैं इसी तरह से करूँगी जैसे मैंने येलो और ऑरेंज के साथ किया है। ठीक है, सेम मैं ब्रश को अप्लाई कर रही हूँ, ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी। एक और चीज़ आपको एल्कोहल इंक के करते वक्त ध्यान में रखनी कि अगर आपका इंक स्प्रेड हो रहा है तो आप उसको दूसरी जगह जहाँ आपको रिक्वायर्ड लग रहा है वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, आप इसको एल्कोहल ब्लेंडिंग सॉल्यूशन से रिवाइव कर सकते हैं, मतलब उसको वापस से आप थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप सीलर यूज़ करते हैं तो सीलर के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और इजी मतलब रेडी टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी करना है आप सीलर लगाने से पहले करिएगा। ठीक है, और हाँ, मैंने एंड में इसकी वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ सीलर को स्प्रे करते हुए, बट मैं आपको सीलर का नाम बता देती हूँ। मेरे पास है एरोसेल लैक्वेयर, एक्रेलिक लैक्वेयर भी उसको बोलते हैं,
ये आपको इजीली हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा, स्प्रे क्लियर कोट है, ठीक है, तो आप लोग इजीली उससे क्लियर कोट स्प्रे कर सकोगे, तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और आप इस मग को इसके बाद वॉश भी कर सकते हैं। फाइनली मतलब मैं ब्रश से करते करते लिटरली मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वापस मैं स्ट्रॉ की तरफ स्विच कर लूँ और स्ट्रॉ से ही बाकी का वर्क करूँ, क्योंकि जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए था, जो मैं चाह रही थी इस मग पे करना, वो ब्रश से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं इसे स्ट्रॉ से इसको ब्लो कर रही हूँ वापस से, और थोड़ा सा इंक भी ले रही हूँ, ब्लेंडिंग सॉल्यूशन भी डालती जा रही हूँ और फिर इसको स्ट्रॉ से ब्लो कर रही हूँ, ठीक है। अगर हाँ, इसके बाद जो हम लोग अल्कोहल इंक क्लॉक बनाने वाले हैं वो और भी अच्छी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके वीडियो पोस्ट करूँ, यूट्यूब पे अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैंने ये इसको करा है और अब मैं इसको हेयर ड्रायर जो आता है हम लोगों का, उसको मीडियम स्पीड पे रख के, देखिए हेयर ड्रायर में भी दो स्पीड है मेरे वाले में, फिलिप्स में एक लो है और एक मतलब एक मीडियम है थोड़ी और एक हाई है, तो मैंने इसको मीडियम वाली पे सेट कर रखा है और उसी से मैं करती हूँ। इसके बाद मैंने जिक पोस्टरमैन का ये मार्कर परचेस किया था, स्टेशनरी शॉप पर अवेलेबल है, ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन। सो ये गोल्डन मार्कर है जिक पोस्टरमैन का, और आप इसमें पोस्का मार्कर्स भी खरीद सकते हैं। तो पोस्का मार्कर्स का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पोस्का मार्कर्स और जिक पोस्टरमैन के मार्कर्स जो है वो आप सेरेमिक्स पे यूज़ कर सकते हो, एंड इसके बाद आपको सीलर लगाना कंपलसरी है, सो आप सील ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ आवर फाइनल लुक ऑफ दोस ब्यूटीफुल टीकप्स, लिटरली इतने छोटे छोटे और मुझे उसको करने में इतना मज़ा आया। आई होप आप लोग भी जब इसको बनाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा और इन्जॉय करोगे आप इस प्रोसेस को। मैंने फ़ोटोज़ भी कुछ अटैच किए तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।